एंड नाउ मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा इसी कॉलेज के पास आउट और आज इस देश के लीडिंग बिजनेसमैन में काउंट किए जाने वाले मिस्टर कुबेर मल्होत्रा। Vice Chancellor, thank you. Kids! Vice Chancellor, Mr. Gupta, पर मेरी दोस्ती 25 साल पुरानी है। हम इसी कॉलेज से पास आउट हुए थे, इसी ऑडिटोरियम में बैठा करते थे हम। पास आउट होने के बाद जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया हमने। थोड़ा बहुत मैंने, लेकिन आज भी हमारी दोस्ती कायम है। आज की तरह हम हर साल मिलते रहे, एक बारी क्यों ना सही, लेकिन जरूर मिलते हैं। जब डोनेशन के लिए मैंने चेक देता हूं और चेक के लिए बेसब्री से मेरे ऑफिस के बाहर इंतजार करते हैं। खैर, मैं सिर्फ अपने दोस्ती के बारे में बात करने नहीं आया, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस के बारे में कुछ आपको सिखाना चाहूंगा। सो किड्स, बिजनेस मेरे लिए एक टाइगर की तरह है, जिसे या तो आप अपने वश में कर लो या तो वो आपको अपना शिकार बना ले। जाना जरूरी है जंगल में, क्योंकि घर पे बैठकर टाइगर पर रिसर्च करने से आप टीचर जरूर बन सकते हैं। अचीवर पक गया यार, सालों से सुनता है। अचीवर से याद आया मुझे, एंट्रेंस एग्जाम में मैंने 96% मार्क्स लाकर टॉप किया था। ये रिकॉर्ड 24 साल तक बरकरार रहा। अगर सुनने में आया है कि एक स्टूडेंट ने 97.8% मार्क्स लाकर मेरे इस रिकॉर्ड को सिल्वर जुबली होने से रोक दिया है। क्या नाम बताया था? मेहर, मेहर पुरोहित। मेहर, मेहर पुरोहित। ऑन स्टेज प्लीज। Congratulations. भोपाल में 10th और 12th हर बार टॉपर रही है और स्कॉलरशिप भी वेरी इंप्रेसिव है, वेरी इंप्रेसिव। मेहर, ये मेरा एक्सक्लूसिव बिजनेस कार्ड है, इस पर डायरेक्ट नंबर है। इस कार्ड को पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन क्योंकि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए जिंदगी में एक मौका तुम्हें भी मिलना चाहिए। थैंक यू सर। जब तुम कुबेर मल्होत्रा को फोन करोगी और वो तुम्हारा फोन नहीं काटेगा, उस मौके का और मेरा बेस्ट फायदा उठाना अब तुम्हारे हाथ में है। इनका नंबर तो मैं ऐसे ही दे देता, इसके लिए इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी। गुड जॉब मेहर, गुड जॉब। दुनिया को अपने पैरों पर खड़े होकर देखना चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने बाप के पैसे को उड़ाना अपना जन्म से अधिकार समझते हैं। मेहर, आई होप इस साल भी ऑनर्स रूम में तुम्हारा नाम देखने को मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।
मिस्टर मल्होत्रा, आज शाम को फ्रेशर्स पार्टी है, वी विल ऑल बी ऑनर्ड अगर आप आते। चांसलर साहब, जितनी देरी में आप एक फ्रेशर्स पार्टी सेलिब्रेट करेंगे उतनी देरी में तो मैं एक नई कंपनी खड़ी कर दूंगा, और पार्टी शार्टीज में पार्टिसिपेट करने के लिए ही तो मैंने अपने साहिबजादे का एडमिशन इस कॉलेज में करवाया है। अब वो बाप का फर्ज पूरा करेगा। अभी अरे भाई, तुम तो सज धज कर जा ही रहे होगे। After all, admission तो इसके लिए लिया था तुमने। How can you miss it? हैं? अरे भाई, वो टॉपर कहाँ है? That girl, the topper. मेहर? हाँ। Come here, please. अबीर, कुछ सीखो। 97.8% करेक्ट, वो भी बिना किसी लग्जरीज के, और तुम्हारा इसका बिल्कुल उल्टा 8.79, जबकि जिंदगी में तुम्हें सब कुछ मिला है। हैव सम शेम अबीर। बेटे, अगर आपके पास कभी फ्री टाइम हो तो प्लीज इसे ट्यूशन दे दिया करो। शायद हो सके, शायद शायद ये पास हो जाए। I'll take your leave. बेटा देखना, अगर वक्त मिले तो थोड़ा इसको भी ट्यूशन दे देना, शायद ये भी पास हो जाए। भाई इधर आ, यहाँ बैठ। ये कोई बात है यार? अरे तू इधर आ, मेरे पास बैठ। तू आजा, ये ले भाई। तू जाने देना यार, तू चिल करना, तू टेंशन क्यों लेता है? कैसे चिल करूं यार, गारंटी के साथ मैंने पिछले जन्म में ना कोई कुकर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे ऐसा मॉन्स्टर जल्लाद जैसा बाप मिला। पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती कर दी यार, वो भी उसमें सकड़ू के सामने, नंगा कर दिया यार सबके सामने। भाई पता है क्या होता है, ये जितने भी बाप है ना बाप, इन सब की ट्रेनिंग एक ही कॉलेज से होती है, तभी तो देखेगा इनके डायलॉग भी सेम होते, इनका बिहेवियर भी सेम होता है। और तो और हर बाप को ना अपना बेटा निकम्मा ही लगता है, पर ना तो हिस्ट्री निकाल के देख ले, कोई भी बाप को याद ही नहीं रखता, बेटे याद होते हैं। बेटे एकदम सही कह रहा भाई तू। शाहरुख खान के बाप का नाम पता है? नहीं। अक्षय कुमार के बाप का नाम पता है? अरे आइंस्टाइन के बाप का नाम पता है? नहीं भाई। नहीं ना, यही समझाना चाह रहा हूँ भाई। मुझे अभिषेक बच्चन के पापा का नाम पता है। साले कमीने, तेरे को मजाक सूझ रहा है यार? अरे चल माना वो मेरा बाप है, उसने कर दी मेरी बेइज्जती, पर वो मैं सकड़ू, देखा तूने कैसे लुक दे रही थी? हाँ, उसके मुंह पे साफ लिखा हुआ था, अगर भी कोई बोल देना उसे कि ट्यूशन पढ़ा दो तो बोलेगी हाँ जी अंकल जी मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी। बहुत मजा आ रहा था ना उसको मेरी बेइज्जती होते हुए देखने में। इजार अब तू देख भाई मैं क्या करता हूँ। भाई तू ऐसा क्या करने वाला है? आज रात को फ्रेशर्स पार्टी है, फ्रेशर्स पार्टी में होगी मेहर के हाथ में होगा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में होगी दारू, और दारू पी के होगी मेहर टन टन।
अब फिर पूरे कॉलेज में तुम्हें सकड़ो। आज की रात राता फैलाने की रात है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।